चुन्नी। इलाहाबाद जाया लैंड डेवलपर के तत्वाधान में जिसके संस्थापक श्री मोहम्मद अजमल के सहयोग से दौलत हुसैन ग्राउंड पर जारा कप अंडर 13 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल ईश्वरसरण डिग्री कॉलेज और सेंट जोसेफ कॉलेज के बीच खेला गया। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीम ने हिस्सा लिया। लेवल का टूर्नामेंट है जो कि अक्सर यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज करवाते हैं रिजवान साहब हैं रिजवान साहब और काफ़ी लगे रहते हैं इसके लिए, इलाहाबाद क्रिकेट के लिए लगे रहते हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मैं यहाँ पे आता हूँ जब भी, तो ये ग्रास रूट लेवल पे जो लड़के हैं उनके लिए निकालने के लिए लगे रहते हैं, तो काफ़ी देखने में अच्छा लगता है क्योंकि आजकल लड़कों बड़े लोगों का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है बनिस्बत छोटों को, लेकिन ये छोटों के लिए काफ़ी करते हैं, ग्रास रूट लेवल पे टूर्नामेंट कराते हैं, अच्छा लगता है। सर आपको रणजी में सेलेक्ट हुआ कितने साल हो गए? कब? मैं दो स्टेट से खेला हूँ हिमाचल ट्रॉफी, 2003 में मैंने डेब्यू किया था हिमाचल से और फिर बाद में मैं दो साल बाद खेलने के बाद रेलवेज शिफ्ट कर गया था। रेलवेज में मैं 8 साल खेला, 8 साल खेलने के बाद फिर मैं रेलवेज में जॉब कर रहा हूँ, यहाँ पे अपनी NCR की कोचिंग कर रहा हूँ। बजट में नहीं, मैं अपने जितने मेरे बच्चे हैं मेरे कोचिंग में या मैं कहीं जाता हूँ किसी के लिए, मैं सबसे पहले उनको फोकस पढ़ाई पे ही करने के लिए करता हूँ क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा बेस है कि इफ़ यू फेल इन एनीथिंग यू कैन एटलीस्ट स्टडी, आप उससे कहीं भी जा सकते हैं, वो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। क्रिकेट इज़ सेकेंडरी, क्रिकेट अब टॉप प्रायोरिटी पे आप क्रिकेट रखो दैट इज़ फाइन, बट ये है कि जो आप करना चाहते हो जो चीज़ अचीव करना चाहते हो उसको लेने के साथ साथ आपको एकेडमिक परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं गेस कर सकता हूँ उसमें से 4-5 लड़के ऐसे हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम में खेल रहे हैं मैं आपसे गेस करके बोल रहा हूँ, अभी बोलना चाहता हूँ उस टाइम पेपर इस पर 5-6 तो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी रणजी ट्रॉफी खेल जाएंगे। हाँ, अब उसके बाद वो कैसा फोकस करते हैं, उनको कैसी रोड मिलती है, कैसा खेलने के लिए क्या करते हैं, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है।